दोस्तों अभी तो पियाजी मेरे को कुछ नहीं बता रहे, मैं पूछते बता दो जल्दी से प्लीज़। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था दोस्तों। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और भाई धूप काफ़ी ज़्यादा आ गई है, देखो अभी टाइम तो 6:30 हो रहे हैं, मतलब ना इस धूप से ऐसे लग रहा है कि 8 बज गए हैं, जब टाइम 6:30 ही हुआ है। और हमारी मॉर्निंग में चल रही है भाई वीडियो कॉल, वो भी हमारे बाबू से। बहुत क्यूट हो गया है हमारे बाबू, देखो दिखाती हूँ दोस्तों। गुड मॉर्निंग बोलना बिट्टू। अरे अरे कुछ तो बोलो भाई। मम्मा ऐसे बोलो, मम्मा। अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया दोस्तों। मम्मा अरे ये तो बोल रहा है, अरे ये तो बोल रहा है। मम्मा मम्मा आ रही है बहुत जल्दी मिलने क्यूटू से। मम्मा देख बोलेगा बोलेगा बोलेगा। मम्मा बोला नहीं जा रहा लड्डू से भी, ऐसे बोलो डैडी पापा। बाबू दोस्तों हमारे बाबू के लिए ना जो शॉर्ट नेम होता है ना हम घर पे बोलते हैं, वो जरूर सजेस्ट करना भाई हम क्या बोले। वैसे इसका नाम तो निकाल ही दिया है प्रिंस, पर जो घर पे हम जिस नाम से बोले भाई वो जरूर सजेस्ट करना दोस्तों शॉर्ट नेम। लड्डू मैं लड्डू लड्डू कहेंगे इसको लड्डू। गुड इवनिंग दोस्तों, तो भाई फाइनली आज की शाम हो चुकी है, अभी शाम मतलब 7 ही बजने वाले हैं दोस्तों। आज है ना मेरे को ऐसा लग रहा है दिन का है ना पता ही नहीं लगा, आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सुबह अच्छा लगा क्योंकि तो सुबह अपने छोटे बाबू से बात हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके जस्ट बाद में ही पता चला कि आज है ना पानी बीत गया है नीचे होद में। तो दोस्तों कोई 2-2.5 बजे तक है ना पानी नहीं आया, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन पानी नहीं आया ना उससे में कीमत पता चल गई पानी की, भाई रहता है तब तो खूब सार का ढोलते रहते हैं गिराते रहते हैं इधर उधर, कुछ सोचते ही नहीं है भाई पानी को भी बचाना चाहिए। तो आज पानी नहीं आया, फिर टैंकर मंगवाए थे अंकल जी, तब जाके हम नहाए धोए कपड़े वगैरह धोए। तो ऐसे दोस्तों मेरे को ना 4:30 बज गए थे ना के आने में, चाय वाय पिया फिर थोड़ा सा आराम करने लग गई, तो ऐसे में शाम हो गई पता ही नहीं लगा शाम का। तो गई और इधर मेरे बेटे को देखिए सारे मतलब जैसे इसका एक ही काम रहता है जब से छुट्टियाँ स्टार्ट हुई है तब से, ये इसके टॉयज है ना आधे टॉयज को तो दोस्तों मैं ना छुपा रखी हूँ क्योंकि बिखेर देता है पूरे में मेरे लिए है ना। मॉर्निंग में जब साफ सफाई करती हूँ ना तो उठाना मुश्किल हो जाता है इतने सारे को देख के, वैसे गर्मी में हालत खराब रहती है। तो वही बाहर चलते हैं, आज तो मैं भी नहीं गई हूँ बाहर क्योंकि टाइम नहीं मिला बाहर जाने का, तो देखते हैं क्या हो रहा है। शाम ही हो गई है दोस्तों गला कट गया है भाई बहुत ही बुरी तरीके से, देखो मैं ना आज तो कुछ पहना ही नहीं मैंने गले में क्योंकि मेरा गला बहुत बुरी तरीके से कट जाता है गर्मियों में। मतलब अभी कल पहनी थी मैं जो भी थोड़ी देर के लिए मंगलसूत्र छोटे वाला बिल्कुल, उससे भी ना इतनी बुरी तरीके से कट गया दोस्तों देखो। तो ऐसे मतलब दर्द होता है पसीना आ जाता है ना तो चरमराहट सा लगता है जीप सा ही, क्योंकि पहनते ही नहीं है पहनूंगी ही नहीं हूँ, गाँव जाऊँगी ना तब शादियों में पहनूंगी, इससे पहले नहीं पहनूंगी। तो गाइस चॉकलेट किस किस को पसंद है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी आर्यन के लिए लेके आते हैं ना सॉरी गाइस अभी चिपक जाते हैं मुंह के अंदर ही, तो आधी मेरी होती है आर्यन के लिए जब भी आएगी तब आधी मैं खाती हूँ। और वैसे भी ना बच्चों की प्रॉब्लम करती है, अभी कल परसों ही देखा था मैंने ना चॉकलेट में भी कीड़े आते हैं पर अब खाए बगैर भी नहीं रह सकते भाई। और अभी मैं लगाऊंगी गाइस आटा, ऐसे खाने का तो टाइम हो गया है पर भाई मेरी पिया जी है ना थोड़े लेट आएंगे, आज तो कॉल भी नहीं किया मैंने, 2 बार कॉल किया था तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर रही हूँ, धक धक हो रहा है मेरे अंदर। मीन्स कि आज क्या है उनका छुट्टी लेने का प्रोग्राम, तो भाई 2 डेज बचे हैं हमारे गाँव जाने में, अब तो बहुत अजीब सा ऐसे लगने लग जाता है जब गाँव जाने के दिन आस पास आते हैं ना उस टाइम पर, क्योंकि उनकी छुट्टी का भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम रहता है, मंथली गाँव जाते रहते हैं ना तो इस वजह से भी। तो अभी आज बोला था उन्होंने छुट्टी लेने के लिए, तो देखते हैं
छुट्टी मिली है नहीं मिली है, कॉल आ रहा है मेरे, देखती हूँ एक बार किसका आ रहा है। दीपू का आ रहा है दोस्तों, मुझे लगा पिया जी का आ रहा होगा। टाइम भी आप लोग देख सकते हो, देखो उल्टा दिख रहा है, 7 बज गए दोस्तों, 7 प्लस हो गए टाइम। तो भाई मैं आर्यन को तो खाना खिलाती हूँ, उसके बाद में कॉल करती हूँ दोबारा से। एंड आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं, क्योंकि छुट्टी आज मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके जस्ट बाद में टिकट बनाएंगे। तो दीपू का बार बार कॉल आ रहा है दोस्तों, फिर बताती हूँ आप लोगों को, फ्री होके बात कर लेती हूँ मुझसे। हेलो, हाँ दीपू। तो दोस्तों अभी तक भी नहीं आए देखो पिया जी तो, और मैं ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, मतलब अभी देखो 8:30 बज गए हैं, एक अजीब सा लगने लग जाता है, इतने टाइम से मॉर्निंग के गए हुए होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और आर्यन को तो खाना भी खिला दिया है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो अभी उसको देखो थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन दे दिया है, तो अभी वो देख रहा है फ़ोन। क्या काफ़ी देर से पूछा जा रहा था डैडी कब आएंगे डैडी कब आएंगे, तो बोर होने लग जाता है दोस्तों, क्योंकि अब कुछ देर बाद में सोने का टाइम हो जाएंगे। आज तो ना कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, 8 बजे तक आ जाते थे, 7:30-8 बजे तक, पर थोड़ा ऑफिस में काम था और छुट्टी के लिए अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया उनको कॉल करे हुए, 10-15 मिनट से ज़्यादा और बना और उसके लगभग दोस्तों टाइम लगता है उनको आने में। तो सोच रही हूँ भाई तब तक आटा लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि आटा अभी गर्मियों में है ना ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों मैं अभी साथ के साथ में लगाती हूँ आटा, पहले तो सर्दियों में तो फिर भी एक साथ लगा लेती थी, अब उस टाइम पे आर्यन को खिलाया था आटा लगा के थोड़ा सा, और अब हमारे लिए आटा लगा के रोटी बनाऊँगी, तब तक वो भी आ जाएंगे और मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि फ़ोन पे कुछ भी नहीं बताया छुट्टी के लिए भी, तो थोड़ी टेंशन भी हो रही है और बोल भी ऐसे रहते, क्योंकि अगर छुट्टी मिल जाती तो हंस के बोलते। तो देखते हैं, मैं खाना तो बना लेती हूँ मैं, फिर मिलते हैं उन्हीं के साथ में, पूछती हूँ फिर उनसे। दूध भी वही लेके आते हैं, नहीं तो मैं दूध वगैरह का इनका काम कर लूँ। देखो ये इतनी हो गई है मलाई भी दोस्तों, तो इसको भी जमाना है, आज ही जमाऊँगी, इसलिए इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा देखो टाइट फ्रीजर में रखने से। हाय, इतनी लेट कैसे आए हो आज आप? हाँ थोड़ा सा काम, फोन भी नहीं उठा रहे थे। गाड़ी पे कैसे हो? छुट्टी मिली है नहीं मिली है दोस्तों? पर मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मिली छुट्टी हमें बिल्कुल भी दोस्तों। सही सही। हाँ फिर इतने खुश क्यों हो रहे हो? नहीं मिली है तो कुछ तो रहना ही पड़ेगा। चमक रहे हो इससे, तो ऐसे लग रहा है भाई मिल गई छुट्टी। देखो मैं खाना बना लेती हूँ, पहले दूध जमाऊंगी उसके बाद में बनाऊंगी। गर्मी की वजह से है ना बहुत हालत खराब हो जाती है, मॉर्निंग में जाते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, और फिर अब आते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी मैं दोस्तों। फाइनली भाई खाना वगैरह से फ्री हो गए हैं हम, एक घंटे लेट आए हूँ आज तो। मैं पूछ लेती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। करने के बावजूद भी छुट्टी नहीं मिली मुझे। क्या इतने लेट से काम करता रहता हूँ तब भी नहीं मिली मुझे? ऐसे हो गया अभी काम, इधर बहुत काम है, नहीं मिलेगी छुट्टी, कैसे चलेंगे मतलब? नहीं जाएंगे काम, मजाक कर रहे हैं दोस्तों मेरे पे। सर अच्छा हुआ ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तेरा, उसके और पैसे लग जाते। झूठ मत बोलो आप मेरे। वो कैसे हो गई ये सुन ले भाई, मेरे तो वहाँ सबके दो रेखा छुट्टी मिली तब क्या दोस्तों। अभी तो पिया जी मेरे को कुछ नहीं बता रहे, हम पूछते हैं बता दो जल्दी से प्लीज। नहीं मिली छुट्टी, भूखे ही रहो, मेरे को छुट्टी चाहिए। बिना छुट्टी मैं ही नहीं, फिर आज ही तो लेना था ना छुट्टी भी। बिना छुट्टी लेके चलता हूँ फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे परेशान हो गया। बता दो प्लीज। मिल गई 2 वीक्स की मिली है दोस्तों। 2 वीक तो काफी है, काफी एंजॉय कर लेंगे हम उनमें तो।
कब जाएंगे फिर हम? मेरे बॉस ने ऐसे बोला टाइम पे आ जाना, लेकिन क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो एक दो दिन का एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए बोले वो भी। मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था दोस्तों, गर्मी लग रही है इनको भी। ठीक है, रेस्ट करो, आराम करो, जाओ। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी है, सही में मेरे को खुद को भी डर लग रहा है, इनको बहुत डर लगता है दिन में। तो ही अभी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को मैं कितनी खुश हूँ। तो भाई दोस्तों मैं आ चुकी हूँ रूम में, वो भी इस वाले काम के साथ। अभी है ना, काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। फ्री हो गई हूँ, जैसे बाहर गई तो कपड़े दिख गए मेरे को, क्योंकि मॉर्निंग की जैसे धूप आती है ना तो उनको मॉर्निंग में उठते ही उतारना रहता है। अगर मैं शाम को भूल भी जाती हूँ तो धूप में, क्योंकि कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर मैं शाम को रख देती हूँ जैसे सूख जाते हैं कपड़े। तो भाई अभी इनको ये अभी सिमेट के रख दूँगी, और हाथ में दर्द हो गया। हारियन भी सो गया है, आज जल्दी सो गया है वो, तो मैंने सोचा। और आर्यन भी सो गया है आज, तो दोस्तों जल्दी सो गया है क्योंकि थक जाता है, दिन काफ़ी बड़े हो रहे हैं और अजीब सा बोरिंग हो जाता है, सारे दिन खेलता रहता है, तो इसी वजह से जल्दी सो गए। नहीं तो 11 बजे पर पहले तो सोता ही नहीं है वो। और दोस्तों आज तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली पियाजी को भी छुट्टी मिल गई है। बस एक थोड़ी सी टेंशन बची है कि मॉर्निंग में हम टिकट बनवाएंगे तत्काल में, जो वो देखते हैं, क्योंकि बाकी के जो 3 टिकट बने हुए थे ना वो तो कन्फर्म नहीं होंगे दोस्तों। तो भाई देखते हैं, मॉर्निंग में ये खुशी भी मिल ही जाएगी, होप करती हूँ। आप लोग भी प्रे करना गाइस, क्यों मॉर्निंग में 11 बजे बनाना है भाई तत्काल का टिकट। देखते हैं, उसके बाद में तो मज़े मज़े हैं, फिर निकलेंगे गाँव, उसके नेक्स्ट डे निकल जाएंगे दोस्तों। तो होप करती हूँ ब्लॉग आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी तैयारियाँ दिख रही है दोस्तों। जैसे मॉर्निंग में टिकट बन जाएगा ना, तो उसके जस्ट बाद में ही पैकिंग करनी, क्या लेके चलना क्या नहीं लेके चलना, ये वो ये नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका ब्लॉग आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो होप करती हूँ आप सभी को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड यू ही दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ी रही है। तो मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड गुड नाइट।